तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा एड्रिनो है, तो एड्रिनो की जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमें डाटा टाइप को जो है डिफाइन करना होता है, तो इसमें हमारा फोकस जो है डाटा टाइप के ऊपर होगा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है इसे करना है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें वेरिएबल डिफाइन करना होता है, तो वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम में क्या होता है कि जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में एक जगह होती है जहां हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है एडवांस में कि हमें कुछ डाटा जो है वहां पे स्टोर करना चाहते हैं। तो हम डाटा जो है मेमोरी जो होता है प्रोसेसर का या माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो इनबिल्ट या अटैच होता है, तो उसका एड्रेस होता है। तो हम क्या करते हैं कि एड्रेस से कॉल करना, हम एड्रेस को याद नहीं रह सकते, तो उस लोकेशन को जहाँ पे हम वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं उसे हम एड्रेस से कॉल कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसको उसके वेरिएबल के नाम से कॉल कर सकते हैं। तो होता क्या है कि हम वेरिएबल को एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब क्या होता है कि जो हमारा हार्डवेयर में मेमोरी है वो लिमिटेड एक रिसोर्स की तरह है कंट्रोलर या प्रोसेसर के साथ अटैच। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एड्रिनो बोर्ड है, तो इसके साथ जो मेमोरी अवेलेबल है, तो वो डाटा और प्रोग्राम कोड को स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे, तो एक तरीके से रिसोर्स की तरह है। तो हम क्या करना चाहते हैं जब माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर और जो एड्रिनो बोर्ड है, तो यहाँ मेमोरी जो है लिमिटेड रिसोर्स के रूप में अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे कि मेमोरी को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से यूज करना चाहते हैं। तो जब हमें डेटा को क्या करना है कि स्टोर करना है, तो उसे हमें एडवांस में डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका नाम रखना होता है, और उसके साथ ही हमें क्या करना होता है कि हम टाइप बताते हैं कि जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। तो एक्चुअली जो उसे हम बोलते हैं डाटा टाइप, तो वो जो वेरिएबल का डाटा टाइप है वो डिसाइड करता है कि उस जो वैल्यू होगा जो हम स्टोर करने वाले हैं वो कितनी उसकी वैल्यू हो सकती है। मतलब यदि हमारी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए, तो फिर हमें ऐसा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा जो कि उस रेंज ऑफ वैल्यू को सपोर्ट करता हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम जो वैल्यू जो है वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना चाहते हैं, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि डाटा टाइप जो है वो क्या होना चाहिए। तो सी प्रोग्रामिंग और जो हमारा यहाँ पे एड्रिनो प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि एड्रिनो जो है कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लिस्ट है कि कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है हमारा जो एड्रिनो बोर्ड है। तो यहाँ पे वायड है, तो वायड जो है ये जनरली जो यूज में आता है, ये फंक्शन जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पे यूज में आता है। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि वायड फंक्शन जो है हम कब यूज करते हैं, ये सी प्रोग्रामिंग के लिए भी हो सकता है और एड्रिनो में भी यूज करते हैं। तो जो वायड है, वायड क्या होता है कि वायड फंक्शन को यदि कोई फंक्शन कॉल करता है, तो जो कॉल करने वाला फंक्शन है उसको रिटर्न में कुछ आउटपुट जो है उस वायड नाम के साथ जो फंक्शन होगा उससे नहीं मिलता। तो यहाँ पे उसके बाद बूलियन है, तो बूलियन जो है यदि हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे कैरेक्टर है अनसाइंड कैरेक्टर, बाइट इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, वर्ड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, टेबल, एरे, स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये डेटा टाइप है जो हमारा एड्रिनो बोर्ड जो है जिनको सपोर्ट करता है। तो वाइट के बारे में हमने पहले ही देख लिया कि क्या करता है। उसके बाद हमारे पास बूलियन है, तो बूलियन जो है ये वैल्यू को स्टोर करता है, तो या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दो कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है कि जो हमारे पास ये वैल्यू है ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे हमें एक जगह मेमोरी में हमने डिफाइन करना है वेरिएबल, तो हमने उसका नाम रखा वैल,
स्टेट, ए वेरिएबल नेम है। वेरिएबल नेम जो प्रोग्राम के अंदर जिसे हम समझ सके कि उसका काम क्या है, तो हम खुद कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। वैल, स्टेट, कुछ भी, यहाँ आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं। वैल की जगह कैल रख दीजिए, स्टेट की जगह टेस्ट रख दीजिए। और बूलियन डेटा टाइप जो है वो फिक्स होता है, तो बूलियन डेटा टाइप यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो वेरिएबल वैल नेम से हम क्या कर रहे हैं कि डिफाइन कर रहे हैं, और वहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं फाल्स एंड ट्रू के साथ, और बूलियन जो है डाटा टाइप है। तो इस डेटा टाइप में, बूलियन में जो है, इसे स्टोर करने के लिए 1 byte ऑफ मेमोरी, 1 byte मीन्स 8 bit ऑफ मेमोरी लोकेशन का जो है ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि ए है, इसको स्टोर करना है, तो हम इसे स्टोर करने के लिए कैरेक्टर नाम से वेरिएबल को जो है डिफाइन करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर, जैसे ए है, तो ए जो है 65 होता है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू होता है, और ये ASCII चार्ट में जो है हम दे सकते हैं कि किस तरीके से किसका वैल्यू क्या है, और उस पर हम न्यूमेरिक जो है ऑपरेशन भी कर सकते हैं। लाइक ए प्लस वन यदि मैं करता हूँ, तो एक कैरेक्टर जो है उसकी वैल्यू 65 है, और उसके बाद क्या होगा कि 1 उसके साथ ऐड होके ए 66 जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ASCII चार्ट दिया हुआ है। जैसे हमने बोला कि ए की जो वैल्यू है वो 65 है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो यहाँ पे है, ये जो वैल्यू है ए की, ये 65 है। तो इस तरीके से हमने ए का वैल्यू जो है यहाँ से देख लिया ASCII कैरेक्टर में जो है कितना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अनसाइंड कैरेक्टर है। अब मान लीजिए कि कैरेक्टर साइंड होता तो माइनस में भी वैल्यू होती, पर यहाँ पे अनसाइंड करने से क्या फ़ायदा हुआ कि 0 से 255 तक की वैल्यू का जो रेंज है उसे हम कवर कर सकते हैं। तो अब हमारा मान लीजिए कि कोई एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, और हम कोई सेंसर से डाटा ले रहे हैं एनालॉग सेंसर से, तो उसे हम ADC को देंगे और वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। यदि वो 8 bit है तो 0 to 255 डाटा आएगा, तो उसको हम चाहे तो कैरेक्टर से यहाँ पे अनसाइंड कैरेक्टर के थ्रू उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो हमारा क्या है कि वैल्यू रेंज क्या है जिस डाटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, तो वो डिसाइड करेगा कि हम डेटा टाइप जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या करें, और वेरिएबल का जो नाम है वो हम अपने मर्जी से रख सकते हैं, इक्वल करके डाटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और उसे हम प्रोग्राम में अपने जो है यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास इंट है, तो इंट यदि हम डिफाइन करेंगे तो 16 bit है, 16 bit है, तो अब यहाँ पर क्या है कि कैरेक्टर के कंपेरिजन में 2 times मेमोरी स्पेस जो है वो ज़्यादा लेगा। तो इसकी जो रेंज है इंट की, वो माइनस से लेकर के प्लस में यहाँ पे आप रेंज देख सकते हैं कि है। तो इस तरीके से हमने यहाँ इंट, इंट बोल के काउंटर बोला, तो यहाँ पे इंट जो है डेटा टाइप हो गया, काउंटर जो है वो वेरिएबल का नाम हो गया, उसमें हम कुछ भी एक वैल्यू जो है असाइन कर देते हैं, और उस वैल्यू को जब हमें चाहिए काउंटर जब हम कॉल करेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पे जो है यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इंट की जगह यदि हम अनसाइन इंट करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंट में 2 byte मेमोरी वहाँ भी चाहिए था, 2 byte मेमोरी लोकेशन यहाँ भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि पॉजिटिव साइज में यदि हमारी सारी वैल्यू है तो वहाँ पे उसका रेंज जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है, वर्ड भी जो है 16 bit अनसाइंड नंबर को यूज करने के लिए होता है, और ये जो है हमारे कुछ और जो बोर्ड है डुओ एंड जीरो, ये 32 bit जो मेमोरी लोकेशन है यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग डेटा टाइप है, अनसाइंड लॉन्ग है, तो यहाँ पे भी 32 bit हमें चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन कि अनसाइंड और साइंड है, तो साइंड वाले केस में क्या हो रहा है कि अनसाइंड वाले केस में 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो वैल्यू जो है 2 times एक तरीके से हो जाती है एज कंपेयर टू जो हमारा साइंड यानी सिंपल जो लॉन्ग होगा उसके कंपेरिजन में। तो लॉन्ग में हम क्या कर रहे हैं कि रेंज जो है हमारा स्टार्ट होने का, वो जो हमारे इससे पहले वाले वर्ड से जो कवर नहीं हो पाता, या जो हमारे शुरू वाले हैं अनसाइनिंग, तो उनको कवर करता है। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट है, और जब डेसिमल वैल्यू होती है, कई बार क्या होता है कि जो एनालॉग वैल्यू होता है
तो एक नंबर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और कई बार वो पॉइंट में आता है, फ्लोटिंग पॉइंट आता है, तो उस दशमलव वाले नंबर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट डाटा टाइप जो है यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है डबल। डबल जो है ये 64 बिट प्रिसीजन, तो यहाँ पे और ज़्यादा जो है मेमोरी में लोकेशन लेगा। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो है डबल नम 40, तो यहाँ पे पॉइंटों में है। तो हम मेन जो समझने वाला पॉइंट है कि कंप्यूटर को कुछ भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर को या माइक्रो प्रोसेसर को पता नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है कि यदि हम ऑपरेशन करते हैं तो किसी डाटा पे करेंगे, तो उसे हमें क्या करना होगा कि मेमोरी में स्टोर करना होगा। तो स्टोर करना होगा तो उसमें मेमोरी में कितना जगह चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। हम चाहते हैं कि मेमोरी को जो है अच्छे तरीके से यूज करें, तो अच्छे तरीके से यूज करना है तो जितना मेमोरी चाहिए हम उतना ही यूज करेंगे। तो डाटा टाइप जो है डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप है, और डिपेंडिंग अपॉन कि डाटा टाइप क्या है उससे डिसाइड होगा कि हम कितनी वैल्यू जो है उसमें अरेंज की स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम प्रोग्राम या कोड लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कि अब मेरे पास जो है 8 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो उसकी वैल्यू जो है 0 to 255 के बीच में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होंगी। तो नेचुरल सी बात है कि एट पर वहाँ पे 16 बिट का मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करने का जरूरत नहीं है। तो हम 0 to 255 की जो वैल्यू होगी उसे 8 बिट तक वाले जो हमारे पास हैं तो उनके हिसाब से हम दो वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप है उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो यही है कि जो हमारा प्रोग्रामिंग है उसमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा कि डेटा टाइप जो है वो क्या है, और डेटा टाइप पे डिसाइड करता है कि मेमोरी में जो लोकेशन लगेगा वो कितना लगेगा और वो किस तरीके से जो डेटा है प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, और यदि आप किसी टॉपिक पे ऐसे और वीडियो सुनना चाहते हैं तो उस पर कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और इस तरीके के और लेक्चर जो हैं हम अपलोड करने वाले हैं, तो उनको सुनने के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ज्ञान भी और विज्ञान भी दोनों हम यहाँ पे हिंदी भाषा में अपनी मातृभाषा में सीखेंगे। धन्यवाद।